काफी सारी पुलिस रास्ते में खड़ी है। और सो गाइस यार एक भारी प्रॉब्लम हो गई है, माल तो देखिए हमने लोड कर लिया है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यार, दिल से धन्यवाद। तो गाइस ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें। सो गाइस सुबह सुबह मेरे पास कॉल आता है कि शटरिंग लेके जाना है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना है। तो गाइस थोड़ा डर लगता है क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मामला है और बीच में जो जहाँ से हम जाएंगे वो हाईवे रोड है, तो थोड़ा बच बचा के जाना पड़ेगा। और जैसे कि बता दूं गाइस, आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे उत्तराखंड के, उनका जन्मदिन है और वो हमारे यहीं के ही हैं, लोकल के ही हैं, हमारे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर, 3-4 किलोमीटर दूर उनका घर है। तो आज उनका जन्मदिन है तो इसलिए काफ़ी सारी पुलिस रास्ते में खड़ी है और मुझे जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है। अभी मैं जब आया तो उनने कहा कि आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए, आज ये रास्ता बंद है। तो गाइज मुझे अब दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, वही हाईवे है मेन, वहाँ थोड़ा डर लगता है क्योंकि मेन हाईवे है, वहाँ RTO वाले घूमते फिरते रहते हैं। तो गाइज अभी हम यहाँ से चलेंगे दुकान पे जाके इसमें 10 कट्टा POP लोड करेंगे, उसके बाद हम लेके जाएंगे साइड पे। तो गाइज आज मेरे पास ये एक चक्कर और मेरे गांव का एक लोकल चक्कर होने वाला है। सो गाइज यार एक भारी प्रॉब्लम हो गई है, माल तो देखिए हमने लोड कर लिया है, दुकान से जैसे ही माल लोड करके आगे चले तो वो जो रोड है उस रोड पे जैसे ही आगे गए तो देख रहे हैं RTO की गाड़ी खड़ी है, जो जिनका माल है वो भाई मेरे साथ साथ ही चल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा था कि तुम आगे रहो और मैं पीछे से आता हूँ, तो वो आगे आगे थे तो उनने मुझे कॉल किया कि यहाँ RTO वाले खड़े हैं भाई अभी मत आओ, तो इधर मैं आके साइड में रुका हूँ। ये देखिए माल पूरा भरा हुआ है, देखिए इसमें 20 कट्टा POP है और ये शटरिंग है, अगर देखे तो सीधा मेरा चालान ही करेंगे और कुछ नहीं। गाइज अभी इंतज़ार करना पड़ेगा यार, जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक हम भी नहीं जा सकते क्योंकि चालान भी बहुत भारी कटेगा, 10-12 हज़ार का चालान कटेगा और मेरे लिए 10-12 हज़ार रुपये भरना इम्पॉसिबल है। तो चलिए वेट कर लेते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूँ। सो गाइज यार 2 घंटा हो गया यार, अभी तक वो लोग वहाँ पर खड़े हैं और जो भैया का सामान है वो उन्हीं के पास कहीं साइड में खड़े हैं, वो मुझे बता रहे हैं अपडेट। तो अभी वो लोग लंच करने निकलेंगे तो हम भी यहाँ से जल्दी से निकले, 2.5 घंटे बाद वो लोग हटे वहाँ से। और यार गाइस देखिए हम लोग चल पड़े हैं, बड़ी दिक्कत हुई यार, क्या बताएं, आज के बाद इस साइड कभी नहीं आऊँगा मैं। हाँ तो चलिए चलते हैं, जहाँ पे माल छोड़ना है वहाँ फटाफट माल उतार के और टाइम से अपने घर को चल देंगे। तो फाइनली गाइस वो सामान हम वहाँ उतार दिए बड़े आराम से और देखिए एक दूसरा चक्कर मिला है, ये रहा वो। गाइज वहाँ से मिले मुझे 600 रुपये और इसका मिलेगा वही 20-30 रुपये मिलेगा। तो देखिए ये भी भारी जंगल है और इधर देख लीजिए, ये देखिए सावधान लिखा हुआ है, यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं। ये देखिए हाथी, हिरन, बाघ, भालू, दोस्तों ये जो जंगल है यहाँ पे सब है यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ से चलिए फटाफट निकल चलते हैं और गाँव में जो हमारा लास्ट चक्कर है उसको भी पूरा कर लेंगे। तो गाइज उसको मैं दिखाऊंगा नहीं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके भाई को सपोर्ट करें यार और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।